हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर पहुंची सीबीआई की टीम, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में जांच शुरू। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को सीबीआई की टीम सदर थाने पहुंची और कमलेश प्रजापत की गाड़ी का मुआयना किया। राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में शनिवार को सीबीआई की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। सीबीआई के अस्थायी कार्यालय सर्किट हाउस में बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे। उसके बाद सीबीआई की टीम जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सदर थाने पहुंची, जहां सीबीआई ने एनकाउंटर के वक्त जिस गाड़ी का इस्तेमाल कमलेश प्रजापत ने किया था उसका मुआयना किया। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की जांच के लिए सीबीआई टीम पहुंची बाड़मेर। सीबीआई ने गाड़ी की बारीकी से जांच की। काफी देर सदर थाने में रुकने के बाद सीबीआई की टीम वापस सर्किट हाउस पहुँच गयी। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम पुलिस द्वारा जब्त लग्जरी गाड़ियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को कमलेश प्रजापत का बाड़मेर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर को लेकर परिवार और समाज के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत से लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद गहलोत सरकार ने 31 मई को सीबीआई जांच की सिफारिश की और 2 जुलाई को केंद्र सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी थी। जारू टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।